थर्ड ईयर का सिलेबस है, इसमें जरा भी आपका ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी पोर्शन है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा, सारे लैब्स आपको दिखाए जाएंगे, सब कुछ लैब बेस्ड है। तो सबसे मजे की बात यही है इस सिलेबस में। तो जो अभी तक क्या था, सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था, लेकिन यहाँ पे जो आपका सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जावा का सिलेबस, ये जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करता है, जो कि आपका सब कुछ एक सब कुछ कवर अप करता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करता है, और जितने भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अच्छा, एक सबसे मजे की बात कि अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी, ढंग से मान लो कि आप अगर बीएससी थर्ड ईयर में हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े, तो जावा आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि मैं मतलब इसको अपना लव सेंस मानता हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप जावा को देखें तो बिलियंस ऑफ पीपल यूज़ कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में जाओ तो चाहे आप, सबसे मजे की बात क्या है कि जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और तो जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या सेंस है, जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग का सेंस ये है कि अगर आप इससे वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो इसका जेएसपी लाइब्रेरी है, जेएसपी है, जेएसपी का यूज़ करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन, आप जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन देख रहे हो आपके फ़ोन में जो इंस्टॉल्ड हैं, सभी के सभी जावा पर बने हुए हैं और जावा कोटलिन पर बने हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें, तो आपका स्विंग है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको JVM वगैरह है, सब कुछ तो आप वहाँ से देखते हैं, मतलब सब मज़ेदार चीज़ें हैं। आप चाहे डेटा साइंस वगैरह ले लो, कोई भी मतलब फील्ड ले लो, ऐसी कोई भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड नहीं है, नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो यूज़ है वो जावा का है। तो जावा मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारे डेवलपर हैं जो कि 20-20 साल 25-25 साल जावा पढ़ते हैं और जावा ख़त्म नहीं होती। तो जावा एक ऐसा पेपर है जिसको आप ध्यान से मग्न होकर पढ़ सकते हैं। मग्न होने का मतलब जैसे कि होता है ना कि सांसारिक सुख का, जो सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी वो जावा को पढ़ के आपकी होगी। तो जावा एक ऐसा पेपर है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जावा आप बहुत ही ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। देखो, पहले कोर जावा पढ़ो, फिर एडवांस जावा पढ़ो। एडवांस जावा में आपका JSP, स्विंग, JVM वगैरह का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। तो आप इसको बिल्कुल छोड़े नहीं, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही बेस्ट है। आप इन सबको सबको एक तरफ से कवर कर सकते हैं जावा को। तो मतलब समझ लो कि बहुत ही अच्छा हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जावा के सिलेबस को इम्प्लीमेंट करा, और जावा मतलब मैं पढ़ाया तो मज़ा आ जाएगा भाई आपको। और हमारे यहाँ सारे कोर्सेज, ये आपको सारे पेपर आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी और लाइव क्लासेस भी, क्योंकि आजकल जो अधिकतर आप घर से बैठे पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है आपका जो BSc सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर है, जो कि है DBMS। तो यार, फाइल के जो कहानी थी अभी तक, पुराने ज़माने में फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता था, सारी चीज़ें फाइल में स्टोर होती थी। तो फाइल में स्टोर होने की वजह से डेटा को मैनेज कर पाना, ऑर्गेनाइज कर पाना, सही वे में उसको रिप्रेजेंट करना, ये बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो उसको देखते हुए DBMS का यूज़ किया जाने लगा, और बहुत तेज़ी से DBMS यूज़ होता है, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री के मतलब जो आपका BSc लास्ट ईयर का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से इंडस्ट्री बेस्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको बनाता है एक तरह से। अगर आपके मन में ये है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप BSc थर्ड ईयर का जो सिलेबस है पूरी तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। मतलब सच में कुछ भी छूटता नहीं है, और सब कुछ ये लोग कवर कर दे रहे हैं। बहुत मज़े का सिलेबस है, आप कुछ भी नहीं छूट रहा है। और DBMS में आपकी, आप ध्यान से देखेंगे तो अधिकतर चीज़ें लैब बेस्ड हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं ER मॉडल वगैरह है जो कि थ्योरेटिकल हैं, लेकिन आपके आगे के दिनों में वो बहुत काम आने वाले हैं। और आप देखेंगे कि जो है एंटिटी सेट वगैरह आप जो बनाएंगे, वो मतलब आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में जब आप काम करने जाएंगे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा माइनिंग, आजकल जो डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस का जो काम है, वो सारी चीज़ें DBMS में चलती हैं। तो
डेटा माइनिंग वगैरह का नाम आप सुनते होंगे, या अगर डेटा वेयर हाउस में जो लोग काम करते हैं आप उनसे मिलेंगे, तो सारी चीज़ें डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को मैनेज करना, ये चीज़ें जो है DBMS में आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और बहुत कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट सिलेबस है। अगला जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग है, सॉरी सिस्टम प्रोग्रामिंग मैं कर रहा हूँ, सिस्टम प्रोग्रामिंग इसका नाम नहीं, बल्कि ये जो है आपका ये जो सिलेबस है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का है और मेंटेनेंस का है। तो एक बात बता दें आपको कि आप जब कभी जो है कहीं पर जाते हैं, किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि आई हैव डन BSc फ्रॉम एज ए ग्रेजुएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आपसे लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप कंप्यूटर के मास्टर हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। अगर कंप्यूटर में ख़राब हो गया, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, तो आपसे चाहते हैं कि ठीक करवा लें। लेकिन अभी तक का जो सिलेबस था, अगर आप सिलेबस को देखें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार सिलेबस को ऐसा डिज़ाइन करा गया है कि सिलेबस में अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो जो लोगों की आपके प्रति ये होता है कि हाँ ये कंप्यूटर साइंस से BSc है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जो आपकी कहानी है वो जो है यहाँ पर पूरी तरह से कवर अप करा गया है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या है, आपके लिनक्स के सारे कमांड्स हैं, डॉस कमांड है, और बैच फाइल, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा का सारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के थे, कैसे काम करते थे, उसमें क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो लोगों के अंदर जो फीलिंग हुआ करती थी आपके लिए कि आपने कंप्यूटर साइंस से BSc करा है तो आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे मतलब निसंकोच, आप अगर इसको पूरी तरह से हर सिलेबस को देखते हैं तो जो आप कंप्यूटर साइंस को सिर्फ ना कि पढ़ते हैं ना समझते हैं, बल्कि कंप्यूटर साइंस में आप जीना शुरू कर देते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस का जो सिलेबस है इसको पढ़ने के बाद, ना आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस को पढ़ेंगे ना समझेंगे, बल्कि कंप्यूटर साइंस के साथ में जीना शुरू कर देंगे। तो इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह का था, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, और देखें तो कुछ जो है आप देखते होंगे, अधिकतर नाम सुनते होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, कंप्यूटर मैनेजमेंट, लोकल सिस्टम, पॉलिसी, फायरवॉल, एंटीवायरस, टास्क शेड्यूलर, सब कुछ है, और अधिकतर चीज़ें आपका जो है लैब बेस्ड हैं, और आपको सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी कि होस्ट क्या है, सर्वर क्या है, नेट स्टार क्या है, हुई मेन क्या है, DNS क्या है, नेम सर्वर क्या है, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की जाने वाली है। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस को सही में जीना चाहते हैं तो BSc इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बहुत ही बेस्ट है। लेकिन इन सिलेबस को सिर्फ सिलेबस होने से जो है कुछ कोई बेस्ट नहीं होता है, आपको उस सिलेबस के प्रति एकदम जुड़ना होगा, पढ़ना होगा, लड़ना होगा, सीखना होगा और समझना होगा। अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे तो आप कंप्यूटर साइंस के साथ में जीना शुरू कर देंगे। तो आई होप आज का ये लेक्चर, मतलब आपको जो मैंने चीज़ें बताई बहुत ही मज़ा आया होगा, और आप सिलेबस देखे होंगे तो बेसिक जो कमांड्स हैं वो सब भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड हैं, टर्मिनल, सेल, जितने भी कैल कमांड, CD, डेट, कैल, मैन, कैट कमांड, मैन कमांड, जितने भी कमांड्स हैं लिनक्स के, लगभग चीज़ें कवर अप की गई, बेसिक जो है लगभग क्या कवर किया जाएगा। लिनक्स बहुत ही वास्ट है और कभी ख़त्म नहीं होता, सेल स्क्रिप्टिंग वगैरह आगे की चीज़ें बहुत सारी हैं पर वो नहीं किया गया है, लेकिन आपको जो एक कंप्यूटर मास्टर बना देता है वो काम आपको यहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा, और हर एक किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ें कैसे, तो सारी चीज़ें बुक से कवर अप नहीं हो सकती हैं, और इंटरनेट पे भी सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल नहीं है, तो इसके देखते हुए हम लोग सब कुछ आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे यूनिक ऑनलाइन ग्रुप देने वाले हैं। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रॉल में दिख ही रहा होगा, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि आप कैसे जुड़ेंगे, आपको कैसे क्लासेस मिलेंगी, कैसे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कैसे लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही,
फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में और बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और कंप्यूटर साइंस के इस बेहतरीन सिलेबस को वन बाई वन हम लोग कवर अप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे समझेंगे और आपसे इसी तरह से मुखातिब होते रहेंगे, सीखते रहेंगे समझते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू एंजॉय दिस, डिसलाइक एंड इफ यू नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, सो कमेंट आउट इनसाइड द वीडियो। और आप जो है जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम।